नमस्कार, आज हम मौजूद हैं शासकीय प्राथमिक शाला डोम में जो सेजबहार संकुल के अंतर्गत आता है और यहाँ प्राथमिक और माध्यमिक शाला एक साथ लगती है। इनसे बातचीत करते हैं, बच्चे मौजूद हैं। क्या नाम है? लक्की बारवती। लक्की, कौन से क्लास में हो? लक्की सिक्स। सिक्स, पढ़ाई होता है? हाँ। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हैं? विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, सब पढ़ते हैं। चप्पल क्यों नहीं पहने हो? चप्पल अभी पहना था, वो टूट गया। टूट गया? हाँ। तू क्यों नहीं पहना है बाबू चप्पल? ओ है। चप्पल नहीं है? है। है। पहना। क्या नाम है? कुलसन बगी। क्या नाम है तेरा? टिकेंद्र कुमार गेंद्री। कौन से क्लास में? सेवन। 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 पढ़ा आता है? चल तो सुना चाहेगा। छह कम छह, छह दुनी बारह, छह ती अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंच तीस, छह छह अठतीस, छह सत छह सत्ते बयालीस, छह अठे अड़तालीस, चौवन, छह दाम सात। क्या नाम है बाबू? प्रतीक। प्रतीक, लंच कर लिया? नहीं। कितने टाइम करते? एक अभी करोगे? अभी तीन। कैसे बाली पहन लिया अभी से? क्या नाम? गौरव। गौरव, पूरा नाम? गौरव का हरस। पढ़ाई होता है? क्या पढ़ाई होता है? हिंदी। अरे नाम है? तन्मय गेंद्रे। पढ़ते हो तन्मय? यस। यही रहते हो? नहीं। हाँ। पढ़ाई होता है अच्छे से? हाँ। रोज होता है? क्या नाम है? सुनाची। सुनाची गेंद्रे। रोज पढ़ती है? हाँ। स्कूल आते हो रोज? हाँ। क्या क्या विषय पढ़ते हो? नहीं आए, एक दूसरे आती है सर, मैम से पूछ लेना। हाँ, रोज आती है? हाँ। पढ़ाई होता है अच्छे से? हाँ। मैम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं? रोज? हाँ। प्रार्थना वार्थना करते हो? हाँ। रोज? हाँ। और परीक्षा हो गया हरिद्वार से? हाँ, हो गया। पास हो गई? नहीं सर, अभी नहीं बताए हैं। रिजल्ट नहीं बताए? क्या नाम है बाबू? नेपाल। नेपाल भोई। पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या 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 विषय पढ़ते हो? पर्यावरण, गणित, हिंदी, अंग्रेजी। बस? हाँ। एबीसीडी आती है? आता है। ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। रोज पढ़ाते हैं मैडम? यस। हाँ। मारती है कि नहीं? नहीं मारती। नहीं मारती? यस। कोई नहीं मारती? नहीं। पढ़ते हो तो अच्छे से। शासकीय प्राथमिक शाला डोम में मौजूद है, मध्याह्न भोजन का वक्त है, बच्चे जो है भोजन करने पहुंचे हैं। मिड डे मील की जो सरकार की योजना है, जो बच्चों में पोषक तत्वों की कमी ना हो, उस वजह से जो योजनाएं जो चलाई जा रही है, उसमें से एक है पोषण और आहार को दृष्टि रखते हुए जो मध्याह्न भोजन की सुविधा दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखाते हैं, बच्चे कितने खुश हैं मध्याह्न भोजन से, खाना मेनू के हिसाब से मिल रहा है कि नहीं, क्या कुछ आज खाने में है, पूरी जानकारी बच्चों से जानेंगे और यहाँ के हेडमास्टर से भी बातचीत करें। और यहाँ पर पहुंचे हुए देख रहे हैं आप, बच्चों को भोजन यहाँ पर दिया जा रहा है, जो सरकार की तरफ से जो मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, उस स्कीम के तहत बच्चों को शासकीय और प्राथमिक शाला और माध्यमिक स्कूल में जो है भोजन दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हमेशा गुणवत्ते पर आरोप लगते हैं या गुणवत्ते की बात होती है शासकीय स्कूलों में, तो यहाँ पर गुणवत्ते आप देख सकते हैं कि कुछ बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। जो बाकी स्कूलों में हम गए उन सब में से चावल दाल और ये बैगन की सब्जी बच्चों को दी जा रही है। ये पोषक तत्वों के आधार पर भी देखकर कि बच्चों में कहीं पोषक आहार की कमी ना हो, पोषक तत्वों की कमी ना हो, यह देखकर सुचारू रूप से सरकार के द्वारा यह योजना चलाया जाता है। यहाँ बच्चे मौजूद है, खाना रोज मिलता है? हाँ। क्या क्या सब्जी मिलता है? दाल भी मिलता है, सब्जी में हर चीज मिलता है। सब मिलता है? रोज अलग अलग मिलता है खाना? हाँ। टीचर? टीचर है सर। ये खाने में जो बच्चों को दिया जाता है रोज अलग अलग वैरायटी? जी, अलग अलग मिलता है। आलू में खाने में कोई लिमिटेशन रहती है कि जितना भी खा सकते हैं? नहीं, वो 100 ग्राम है और मिडिल के लिए 150 ग्राम है। अच्छा, तो बच्चों के लिए तो ये स्व सहायता समूह से बन रहा है? जी सर। आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं? मैं दूसरी कक्षा। मेन्यू के द्वारा, मेन्यू कहाँ पर है देख सकते हैं? आज देखिए ये मेन्यू में आज मिलना था इन लोगों को चावल, फ्राई दाल, सब्जी, आलू, सोयाबीन, अचार, टमाटर की चटनी।
शनिवार को खीर मिलता है? नहीं। शनिवार को खीर नहीं मिलता? नहीं। अच्छा, और ये जैसे सोमवार मेनू के हिसाब से खाना ही नहीं बनता? मेनू के हिसाब से नहीं बनता? नहीं नहीं। अच्छा नहीं, कुछ आज का देख लो, वहाँ पे नहीं बना। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों का कहना है कि मेन्यू में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हमें खाना नहीं मिलता। ये मेन्यू आपको दिखाते हैं, आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार को चावल, दाल फ्राई, सब्जी, आलू, सोयाबीन बड़ी, अचार या वेज पुलाव, टमाटर फ्राई, चटनी, पापड़ लिखा हुआ है। लेकिन बच्चों को खाना क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। खाने में बच्चों को, बच्चों के थाली में सिर्फ ये चावल है, ये दाल है जो फ्राई भी नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दाल फ्राई नहीं हुआ है। वहीं जो है सब्जी भी पूरी तरीके से, जो कह सकते हैं कि यहाँ पर बैगन की सब्जी दिख रही है और सिर्फ बैगन की सब्जी है, जबकि इसमें टमाटर की चटनी, अचार, पापड़ का भी जिक्र है। और बच्चों का भी कहना है कि रोज भी प्रतिदिन जो है मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता और कुछ भी यहाँ पर दे दिया जाता है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है। अब ये किसकी गलती है, इस पर भी चर्चा करेंगे। स्व सहायता समूह में किस पर दबाव है, यहाँ के HM से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्यों बच्चों को जो मध्यान्ह भोजन का मेन्यू है उसके हिसाब से खाना नहीं मिलता। अच्छा, खाना आप लोगों को पर्याप्त मिलता है? पर्याप्त नहीं मिलता? पर्याप्त खाना भी नहीं मिलता? आप प्रिंसिपल हैं? जी, खाना खाना इन लोग खाते नहीं है, भाग जाते हैं और समय में उपस्थित नहीं होते। खाना सबको पर्याप्त दिया जाता है। लक्ष्मण नसी ने, लक्ष्मण जी यहाँ पर देख रहे हैं, जब शुक्रवार को जो मेन्यू लिखा गया है उसके हिसाब से भी खाना नहीं है, अचार नहीं है, पापड़ नहीं है खाने में, अचार पापड़ भी नहीं है। नहीं नहीं, दिया गया था उस दिन, दिया था कल परसों, दिया था, गया था ना। हाँ, तुम्हारा, हाँ सोमवार को दिया गया था। सोमवार, सोमवार की बात नहीं है, इसमें छह दिन मेन्यू में लिखा। ठीक है, ऊपर नीचे हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता पर मिलता है, क्योंकि बच्चों का कहना है कि मेन्यू के हिसाब से हमको खीर भी मिलना चाहिए दूध के साथ शनिवार को, वो भी नहीं मिलता। वो खीर को बहुत बच्चे मीठे हैं करके बिल्कुल नहीं खाते, बहुत बच्चे मीठे हैं करके नहीं खाते, नहीं तो कल खिलाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। बनाने के लिए इन लोग तैयार हैं, सिर्फ खीर बस खाओगे? नहीं सर, वो बच्चों से बात नहीं, मैं अभी, मेरा सवाल ये है कि आज जब मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो आज भी मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं है। आप भी इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि खीर मेन्यू के हिसाब से नहीं दिया जाता? अगर किसी को शुगर है तो उसकी वजह से शक्कर बंद तो नहीं कर दिया जाएगा ना सर? बाकी बच्चे खाते हैं खीर, कौन कौन खाता है, इतने बच्चे खाते हैं, ये देखिए आप हाथ उठा, इनकी वजह से आप खीर ना देंगे या जो मेन्यू में लिखा है वो खाना नहीं देंगे, ये सही थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, वो दिया जाता था, बहुत बच्चे नहीं करते, खाओगे खीर? बहुत बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, नहीं खाते हैं। इसमें देख सकते हैं जो हेड मास्टर हैं उनकी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि इनका कहना है कि बच्चे नहीं खाते, जबकि बच्चे साफ तौर पर यहां पर कह रहे हैं कि हमें मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता। इस पर हम ऊपरी अधिकारियों से, DOBO से भी बातचीत करेंगे कि क्यों बच्चों को जो है मध्याह्न भोजन के हिसाब से खाना नहीं मिल पाता है। प्रचार तो तैयार है, समूह वाले बच्चे ही खाना नहीं खाते। आप हमारे ऑफिस में आकर बैठ के बातचीत कीजिए, बच्चों से मैं बाइक ले लिया। नहीं नहीं नहीं, इन लोगों के ऊपर मत जाइए, इन लोगों का बड़ा विचित्र है। हाँ सर, बच्चे खाए ना खाए मेन्यू के हिसाब से खाना देना तो काम है ना। नहीं नहीं, आप जो बोल रहे हो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों, इनको पूछोगे कोई अलग बताएंगे, लेकिन परिस्थिति यहाँ होगी पूरा पूरा छोड़ के चले जाएंगे, उनको मैनेजमेंट करना है पूरे। हाँ। यहाँ पर ये स्व सहायता समूह की जो दादियाँ हैं, वाली बात आती है तो नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पूछेंगे, मैं पूछूंगा। ये जो खाना इन लोगों को मिल रहा है इसमें जो मेन्यू लिखा हुआ है, जैसे आज जो सब्जी मिलना था, अचार पापड़ मिलना था, नहीं मिल रहा है? सब देता, सब मार के दे रहे हैं। आज कहाँ? आज नहीं दे, क्यों? आगे पीछे हो जब नहीं रही, आज नहीं बनाया। तो इसमें किसकी गलती है, बच्चों की गलती है कि किसकी गलती? अब हमरे मन के गलती भाई, पापड़ आज नहीं देता, नहीं पापड़ देता, आज नहीं रही तो नहीं बनाए पापड़। अच्छा, इसकी जानकारी हेडमास्टर को भी है कि यहाँ पर खाने में ये दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है विद्यालय प्रशासन की, कहीं ना कहीं हेडमास्टर की गलती भी सामने आ रही है, क्योंकि नहीं नहीं, हम लोग तैयार हैं, हम लोग नहीं ये कर रहे, हम लोग तो जब देने के लिए लिखे गए हैं, हम लोग अपनी ओर से पूरा इन लोगों को मेनू सौंप दिए हैं,
हमारी कोई उसमें ये नहीं है, लेकिन इन लोग जब सौंपा जाते हैं रखते हैं तो उस स्थिति में बच्चे लोग कह तो देते हैं लेकिन बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अच्छा ये बताइए, आज यहाँ पे पापड़ अचार नहीं मिल रहा, इसकी जानकारी थी आपको? हाँ नहीं मिल रही है, ऐसी जानकारी नहीं थी मुझे। तो आपको ये कैसे पता था कि सोमवार को मिला था? सोमवार की जानकारी? नहीं नहीं, सोमवार को मेरे को जानकारी थी, सोमवार को जानकारी। बाकी दिन भी नहीं मिलता बोल रहे हैं बच्चे? नहीं नहीं नहीं, बाकी दिन पूरा मिलता है, खीर भी नहीं मिलता इन लोगों से? नहीं, अचार पापड़ भी? खीर, खीर के संबंध में आप बात कीजिएगा, बहुत इसका कमाल। क्या सब्जी मिला था? पता नहीं यार। अरे कल का सब्जी टमाटर का चटनी, टमाटर का चटनी और बस, और दाल का सर वो अपन वहाँ चल के ये करते हैं। नहीं इसमें बात है, बच्चों में ड्रामा है। नहीं नहीं, बच्चे लोग, आप हेड मास्टर हो के कह रहे हैं कि बच्चों में ड्रामा है? माने बच्चे लोग नहीं खाते कहना है, बच्चे लोग खीर को हाथ ऊपर करते हैं। हेड मास्टर का ये बयान देना कि बच्चों में ड्रामा है सही बात है? ड्रामा का मतलब बच्चे लोग नहीं खाते, मीठा नहीं खाते बोल तो। सिर्फ आपके स्कूल में हो रहा है कि बाकी जगह भी हो रहा है? मैं तो हर स्कूल में कर रहा हूँ कवर, तो उन लोग तो बनाते हैं सर, हर स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो शक्कर नहीं खाते, जो तीखा नहीं खाते, लेकिन वहाँ तो बन रहा है मध्यान्ह। हम लोग क्या है कि बच्चे लोग आधा पेट सिर्फ खीर बस में क्या होता है कि थोड़ा सा भोजन मिलता है, तो हमारे यहाँ चावल दाल सब्जी शनिवार को भी मिलता है, और बीच बीच में, ऐसी नहीं टोटल हम बंद कर देते हैं, बीच बीच में खीर भी खिलाया जाता है। बीच बीच में क्यों? पर रोज जब हर हफ्ते का टाइम है मध्याह्न भोजन? नहीं नहीं, अब उसमें बच्चे रुचि नहीं लेते, छोड़ देते हैं, नहीं तो हमेशा ये करना चाहते हैं। चलिए इस मामले में हम BODO से भी संज्ञान लेंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे कि इस तरीके की इस स्कूल में क्यों लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, वोकल TV रायपुर।